देखो क्वेश्चन जो है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम प्रॉब्लम बाई VAM मेथड। इसका मतलब समझ रहे हो, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो लिखे हो ना शॉर्ट में VAM, थर्ड मेथड में VAM मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्या करना है हम लोग को, जो भी दिया रहेगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम उसका पेनाल्टी ढूंढना है। पेनाल्टी क्या होगा, दो लिस्ट सबसे छोटे वाले का डिफरेंस होगा, एक को हटाएंगे फिर दूसरा टेबल बनाएंगे उनका पेनाल्टी, ऐसे ऐसे प्रोसेस करते हैं जब तक खत्म ना हो। ठीक है, जो देखना ध्यान से, क्या दिया है, डेस्टिनेशन दिया है, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन ये आपका यहां से मान लो कितने डेस्टिनेशन दिए, चार, ये एक दो तीन चार, चार डेस्टिनेशन दिए हैं और तीन ओरिजिन दिए हैं। ठीक है, और इधर ये सप्लाई है। और इधर ये D1, D2, D3, D4। तुम लोग अभी मत बनाना सप्लाई, गलत कर दोगे तब। नहीं करते हो गलत, बहुत अच्छे हो तुम लोग। तो O1, O2, this is O3। ठीक है, तो ये आपका खाली रहेगा। क्या हुआ, लो बना दिए तुम कह रहे हो, लो खुश खुश हो गए, अब खुश हो। डिमांड, बिल्कुल बिना डिमांड के कैसे, जरूरत तो चाहिए, कितना डिमांड है, डिमांड हो गया सप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखना ना ऐसे, ये जो प्रॉब्लम दिया है 11, 13, 17 ये सारे कास्ट दिए हैं। अब ये सप्लाई दिया है 250, 300 और दिया है 400 और इधर दिया है डिमांड 200, ये 225 और इधर दिया है 275 और ये दिया है 250। ठीक है, ये दिया 16, 18, 14, 10 और दिया है 21, 24, 13, 10 ये दिया प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे सबसे पहले कि बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ सप्लाई ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ डिमांड्स क्या इक्वल आएंगे। देखो तुम लोग बताओ, ये प्रॉब्लम दिया है। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम दिया है, अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम दिया है, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, अब इसी को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि टेबल थोड़ी बनाएंगे फिर से। सॉल्यूशन बैलेंस है ना, देखो कितना आएगा 950 बैलेंस है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन, अब देखना ध्यान से, ये डिमांड है सप्लाई है, तो इधर क्या निकलेंगे, पेनाल्टीज, यहां पेनाल्टीज और इधर पेनाल्टीज। पेनाल्टीज पहले वाले का क्या हुआ, देखो इधर से 16 और 11 कितना आएगा 5, पेनाल्टी 5 आएगा ना। अब देखो इसका पेनाल्टी 18 और 13 कितना आएगा 5, 13, 14 कितना 1,
देखो अब ये 10-10 सेम, पेनाल्टी जीरो नहीं, 10-10 दो सेम आ गया ना, तो सेम नहीं डिफरेंट डिस्टिंक्ट सबसे लेगा, तो 10 एक लेंगे और एक 14 लेंगे ध्यान से, क्योंकि सेम लेंगे पेनाल्टी क्या आएगा जीरो, इसका मतलब पेनाल्टी आप लगा ही नहीं रहे, पेनाल्टी कुछ तो लगेगा, तो इस केस में एक 10 लेंगे और एक 14 लेंगे, तो इनका पेनाल्टी क्या आ जाएगा, समझ में आया। अब उधर से इधर से देखो, ये सबसे छोटा वाला क्या होगा 11 और 13, इधर से पेनाल्टी क्या लगेगा 2, और इधर देखो 10 और 14 कितना होगा 4, और ये देखो 13 और 10 कितना होगा 3, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे, सबसे तो पेनाल्टी कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है ना, नहीं हो यहाँ लग रहा है 5 लग रहा है, लेकिन देखना 5 यहाँ है यार, तो सबसे लोवेस्ट एंट्री कहाँ आ रही है, इसमें आ रही है ना, तो सप्लाई कहाँ करेंगे, वो 5 यहाँ है लेकिन इसमें सबसे लोवेस्ट एंट्री इस वाले में आ रही है ना, तो सप्लाई कहाँ करेंगे 11 पे, कोई दिक्कत, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ उसे कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी सप्लाई कर सकते हैं, इसमें 225 डिमांड पे लेकर चल रहा, 225 रुक जाओ, एक सेकंड, एक चीज़ और देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये भी देखा जाता है जो डिमांड होता है, जैसे पेनाल्टी कहाँ लग रहा है सबसे ज़्यादा, पेनाल्टी कहाँ सबसे ज़्यादा लग रहा है, फर्स्ट और डी1 और डी2 में ध्यान से, और डिमांड जहाँ ज़्यादा होगा उसी पे हम पहले एलोकेट करेंगे, मतलब उसको पहले सबसे पहले, तो डिमांड इसमें किस में सबसे ज़्यादा है, डी2 को ना, ध्यान से डिमांड इसका कहाँ है, यहाँ है, तो अब उसके वाले क्वेश्चन में जो पहले वाला कराया गया था वहाँ भी देखना, तो वो जो हम लोग किए थे वहाँ डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है, तो यहाँ डिमांड कितना है 225, क्योंकि सेम है लेकिन डिमांड यहाँ ज़्यादा है, इसीलिए क्योंकि ज़रूरत सबसे ज़्यादा इसको है, सिंपल कोई भी चीज़ इसको ज़्यादा ज़रूरत है, कहेगा भैया हमारे ग्राहक रुके हैं, सब हमको मार रहे हैं, जल्दी से लाओ सामान पहुँचाओ, क्योंकि डिमांड इसका ज़्यादा ना, इसका मतलब क्या, तो सबसे पहले इसको पेनाल्टी, मतलब यहाँ पेनाल्टी ज़्यादा लग रहा है तो सबसे पहले इसको देगा, इसको इसको देने के लिए कितने सप्लाई 250, इसका डिमांड कितना 225, पूरा 225 कहकर रख लो, कोई दिक्कत, जब 225 दे देगा तो बचेगा क्या इसके पास, जीरो ना, जीरो बचेगा, और इसके पास क्या बचेगा जी, कोई दिक्कत, लिख लिए तुम लोग, लिखो ऐसे, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा ना, फिर हमको ये एक मिटा दे रहा है अभी इसी टेबल को, अब कौन जाएगा बार बार बनाने, समझ में आ रहा है, क्यों डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा, सिंपल सी बात है, इमरजेंसी जहां ज्यादा होती है सबसे पहले वही काम होता है ना, अब मान लो कौनो दुकान खोल के बैठा है, उसको भी ज़रूरत है, उसके पास कौनों ग्राहकों में नहीं जा रहे हैं, तो वो भी कहेगा भैया लाए चैनल है, कौन फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कोई दुकान चल रहा है उसके पास ज़्यादा डिमांड है, कहेगा कि हमारे ग्राहक वेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले कहाँ सप्लाई करेगा, जहाँ डिमांड ज़्यादा होगा, तो बुक पढ़ लेना एक बार ध्यान से, ठीक है, बुक में लैंग्वेज दिया है, अपने आप समझ में आ जाएगा, ये 4 है 9 ना समझ लेना, दिस इज 4, अरे बना लिए तुम लोग, ये लिख लिए हम मिटाए, तुम लोग लगे बनाने अपने में, दूसरा टेबल, अभी दूसरा टेबल मत बनाओ, दूसरा बना लिए, ये तो क्वेश्चन वाला टेबल हो गया है, तो कोई बात नहीं, इसी में सोल्यूशन लिख दो ना, पहला टेबल यही तैयार, अब दूसरा टेबल तैयार करो, नहीं समझे हमारी बात, अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे जी, ये वाला ख़त्म हो जाएगा ना, ये वाला पूरा मिटा देंगे, कोई दिक्कत, लेकिन ध्यान से कि इसमें कौन सा किसको दिए वो याद रखना चाहिए, वही अमाउंट, अब देखना इसमें अब पेनाल्टी कहाँ लग रही है ज़्यादा, यहाँ, अब इसको देंगे किसको, 11 वाले को, अब जो तुम्हारा टेबल होगा वो ब्लैंक होगा, मतलब ये खाली रहेगा, ठीक है,
अब देखो ये 11 वालों को कितना देगा, 200 चाहिए इसको, और कितना दे सकेगा जी, खाली 25 ना, 25 ही दे पाएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो, और इसके पास कितना बचेगा, 175 ना। जब ये जीरो हो गया, लिख लो, अब फिर उसको मिटाना रहे हम। अच्छा हाँ, एक सेकंड रुक जाओ भाई, अरे भाई रुक जाओ, लिखे नहीं हो तुम लोग, अब फिर से अलग पेनाल्टी निकालना पड़ेगा हम लोग, देखना ध्यान से, हाँ सही कर रहे हैं, रुक जाओ, हम लोग गलती करते रहते। ये 11 है ना जी, पेनाल्टी निकालो फिर से इनका सबका, इनका पेनाल्टी निकालो, बताओ पेनाल्टी, ये तो सही रहेगा, इनमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो पेनाल्टी सेम रहेंगे, इसमें से घटा होगा है, तो इसका पेनाल्टी क्या होगा जी, 3, और इसका 4, और इसका क्या होगा, 3, तो कोई बात नहीं, यहाँ भी पेनाल्टी सबसे ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, ठीक है, पेनाल्टी कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, तो अब किसको अप्रोच करेगा, ये वही चीज़ है ना, तब भी सही था, देखो अब यहाँ पेनाल्टी, यहाँ तो यहाँ 11 को कितना देगा, ये यहाँ कितना बचा था, 25 ना, 25, तो ये कह रहा हमको 200 डिमांड है, और वो कह रहा हम खाली 25 ही सप्लाई करेंगे, तो 25 अपना दे देगा वो, इसके पास बचेगा कितना, 0, और इधर क्या बचेगा, कितना, 175, सही लिखा गया था, अब ये 0 हो गया, लिख लिए, अब उस वाले को हटा देंगे, इस वाले को हटा दे, अब इस वाले को हटा दे रहे हैं, लेकिन ध्यान से ये पेनाल्टी भी हट जाएगा, कोई बात नहीं, अब पेनाल्टी फिर से निकालो, अब इसका पेनाल्टी सेम रहेगा, क्योंकि इसका सेम रहेगा, 10 और 14 का 4 और 10 तेरह, इधर इधर पेनाल्टी चेंज हो जाएगा, इसका पेनाल्टी बताओ, 16, 5, 21, इसका पेनाल्टी 5, और इसका पेनाल्टी ये क्या होगा, 1 आ जाएगा ना, और ये 1 आ जाएगा, और कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ 0, कोई बात नहीं, जब दो ही सेम है तो 0 ही करेंगे ना, और उधर क्या आएगा, 4, 3, अब किसका पेनाल्टी सबसे ज़्यादा आ रहा है, 5 आ रहा ना, अब देखना ध्यान से, ये कहेगा यहाँ सप्लाई करेगा, इसको कितना चाहिए, 175 डिमांड, और सप्लाई कितना कर सकता है, 300, तो इधर कितना दे देगा जी, 175 इसको दे देगा, और 175 ये क्या हो जाएगा, 0, लिख लो, और 175 जब ये दे देगा, तो 175 में से 300 निकलेगा, कितना बचेगा, 125, कितना बचेगा, 175, 25, 200, 300, अब ये 0 हो गया, ये हटा दे, लिख लो, क्योंकि 0 आ गया तो इस वाले को हटाते थे, हटा दे अभिषेक, देखो जो ऑनलाइन वाले हैं अगर वो लोग नहीं लिख पाए तो वीडियो पॉज करके लिख ले जाएंगे सब, समझ में नहीं आ रहा क्या जी, गलत कहाँ कर रही है, गलत बता रही है हमको, क्या कह रही है, अच्छा अब मिटा दे, देखो ये वाला खत्म, अब फिर क्या निकालेंगे, पेनाल्टी, फिर 10 14 का पेनाल्टी 4, ये 3 सही है, यहाँ देखो यहाँ इसका पेनाल्टी कितना आएगा, और ये 0, अब कहाँ सप्लाई होगा, पेनाल्टी यहाँ ज़्यादा लग रही है, पेनाल्टी यहाँ ज़्यादा लग रही है, तो तुम लोग ऐसे यूरो भी लगा सकते हो कि जहाँ पेनाल्टी किस पे अप्लाई कर रहा है, तो उस केस में किस पे अप्लाई होगा, 10, इसको कितना ज़रूरत है, 250, और ये कितना सप्लाई कर सकता है, 125 जब सप्लाई कर देगा इसके पास बचेगा क्या, 0, और यहाँ 125 में से 125, 250 कितना, 125, कोई दिक्कत,
और जब ये कौन सा जीरो आ गया, ये वाला, तो ये मिटा देते हैं, मिटा दें, 125 लिख लियो यहाँ। सोचो ऑपरेशन रिसर्च कितना आसान है। भावना मिटा दें, समझ में आ गया? कौन सा मिटाएंगे? ये वाला। अब फिर क्या निकालेंगे? पेनाल्टीज। अब देखो इसमें एक ही बचेगा, इसका पेनाल्टी क्या होगा? 3, और इसका पेनाल्टी और क्या, इसमें पेनाल्टी क्या हो जाएगा? 13, ये 10। अब कहाँ देगा सबसे पहले? अब 10 के पास जाएगा ना पेनाल्टी, नहीं 13 लग रहा है। पेनाल्टी कितना होगा? अरे कोई भी हो, पेनाल्टी अगर यहाँ 13 है तो यहाँ जाएगा। 13 को क्या देगा जी? 13 को कितना चाहिए, और वो कितना सप्लाई करेगा? 400, ये 275 दे देगा। बचेगा कितना? ये 0, और यहाँ क्या होगा जी? 475 में से 275, 125, ये 0, तो ये ख़त्म। 275। अब पेनाल्टी तो वही होगा, बस बचा एक ही है, एक ही बचा, तो क्या होगा? 10 को क्या दे देगा आपको? 125, देखो 125 इसके पास बचा है, और इसको 25 इसको चाहिए, तो क्या देगा? 125, बस ख़त्म पूरा। तो 125 दे देगा, तो ये 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब टोटल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट निकाल लो। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, दस द टोटल, देन द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, एक बस लास्ट हंगेरियन मेथड एक पढ़ाना है, तो 10 आधा घंटा का लेक्चर है, तो मान लीजिए पूरा वार कंप्लीट हो जाएगा, तो संडे को हम लेक्चर लेंगे, ठीक है? संडे को लेक्चर लेंगे वो, तो देन द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट क्या क्या होगा बताओ? आरएस में क्या होगा बताओ? 225 × 13, 25 × 11, 175 × 16, प्लस 125 × 10, प्लस 275 × 13। अरे हम बता रहे हैं, वो गलत लिखे हैं। और ये आ जाएगा टोटल, जब ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 12,075 रुपये कॉस्ट। कितना आसान है, समझ में आया ना? अब कर ले जाओगे ना किसी भी मेथड से आए, बस यही रूल है। जब भी कोइंसाइड करे पेनाल्टीज, तो उसमें सबसे पहले देखना कि इसका डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई वहाँ होगा, जिसका डिमांड ज़्यादा होगा सप्लाई वहाँ होगा, ठीक है? बहुत आसान है, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ असाइनमेंट प्रॉब्लम कंप्लीट कर देते हैं। देखो जो फालतू चीज़ें वो नहीं पढ़ाया गया है, तो इससे मत घबराना, जितना पढ़ाया गया उतना पढ़ के जाओ, 50 मतलब पूरा 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 क्वेश्चन ही आएगा आप लोगों को, ठीक है? लेकिन हाँ, LPP या जो भी पढ़ाया गया है गेम थ्योरी, वो सब पूरा कंप्लीट होना चाहिए, और हम एक दो दिन में आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, वो हम मिनिमम रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा वो आप लोग उतना मतलब मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट है कि उतना कम से कम तैयार करके जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाया गया, तो सब तैयार कर लेना,